गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। तो चितकुल में अभी हम लोग पूरा मतलब रेडियो के अपना निकले, थोड़ा चितकुल विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो हम आज दादा निकल गए, दादा पीछे है, तो मेरा वाइफ अभी रेडी हो रही है निकलने के लिए। तो देखिए विलेज, आप लोगों ने देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है आपको। ये विलेज आपका मिडिल में है और इसके चारों तरफ आपका पूरा कवर है आपका पहाड़ों से। तो एक बहुत ही आपका खूबसूरत सा विलेज है। देखिए सामने है पहाड़, मतलब चारों तरफ पहाड़ है। ऊपर जो आपका दिख रहा है वाइट कलर, वो स्नो कवर माउंटेन है, पूरा स्नो कवर है। तो कल हम लोग रात में रुके, तो रात में दादा टेम्परेचर कितना आया था? -11 से भी कम। -11 से भी कम टेम्परेचर आ गया। तो अभी पानी आप लोगों ने देखिए, खाली तो अभी हम लोग निकल गए आपका चितकुल विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही एक खूबसूरत सा, बहुत ही पुराना वाला चीज दिखाना चाहता हूँ। ये आपका जो देख रहे हैं आप लोगों का घराट वाटर मिल है। तो ये आपका काफ़ी पुराना आटा पीसने का स्टाइल, ये अपने आप चलता है पानी के फ्लो से। तो ऊपर में देखिए आप लोगों, अगर गेहूँ दे देंगे तो गेहूँ आपका पत्थर के ऊपर में देखिए एक छोटा सा दिया हुआ, इसमें आप लोगों का गेहूँ अटकता है और आपका ये पत्थर जो है आपका गोल गोल घूमता है वाटर प्रेशर के थ्रू से। तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, जितना ज़्यादा रहता है उतना स्पीड से घूमता है। तो एक्चुअली अभी वाटर फ्लो नहीं है इसीलिए ये अभी बंद है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को नीचे से दिखा रहा हूँ। तो नीचे से मैं आप लोगों को आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये चीज़ होता है। तो अभी देखिए यहाँ से आपका नीचे से पानी आता है, तो पानी अभी बंद है। तो ये पानी, ये जो रॉड आप लोगों को देख रहे हैं आपका गोल से जो बना हुआ है, ये पानी जितना प्रेशर में आता है ये रॉड उतना स्पीड में घूमता है। और ऊपर से रॉड आपका ऊपर कनेक्शन है पत्थर से, और पत्थर भी घूमते रहता है, इसी से आपका आटा पीसता है। तो एक्चुअली मेरे जो सामने जो आप लोगों को फॉर्ड देख रहे हो, ये सीढ़ी से ऊपर जो फॉर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका 500 साल से भी पुराना एक फॉर्ड है। तो फिलहाल फोर्ट की तरफ देखते हैं। और फोर्ट जो बनाया देवदार या पाइन फॉरेस्ट से बनाया। एक्चुअली जो आपका चितकुल में जो सब पुराना पुराना सा जो सब घर है देवदार या पाइन का पेड़ से ही बना है घर सब। और घर सब जो है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत घर सब बनाया गया है। और चितकुल का जो आपका हाइट है वो आपका 11,320 फीट एंड 3,450 मीटर। और इसका आपका पॉपुलेशन जो है 882 है। और यहाँ का आपका सबसे ज़्यादा जो क्लीनेस्ट एयर जो है आपका चितकुल में है। चितकुल विलेज का कुछ इस तरफ का आपका व्यू ऊपर से लिए देख रहे हैं आपको, चारों तरफ देखिए माउंटेन से माउंटेन है, वहाँ स्नो कवर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, ये चारों तरफ माउंटेन के बीच में चितकुल विलेज आपका है। तो यहाँ पर जो सब आपका पुराना पुराना सब जो घर सब बना है वो आपका देवदारू लकड़ी या पाइन फॉरेस्ट का लकड़ी से बना है। ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं। तो एक्चुअली चितकुल विलेज में आपका 800 पीपल्स का आपका रहते हैं टोटल। तो ये लोगों ने अभी ज़्यादा विंटर के टाइम में ज़्यादा, जब पूरा एकदम चितकुल पूरा बर्फ से ढक जाता है तभी ये लोगों ने आपका नीचे तरफ जा जाते चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ आपका पूरा फुल स्नो कवर रहता है। तो यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है और रात में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रहता है ऑक्सीजन लेवल की वजह से। तो ये जो चितकुल आपका इंडिया का लास्ट विलेज है, इंडो तिब्बत बॉर्डर के ये है। तो यहाँ से चाइना का जो बॉर्डर है आपका लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर के अंदर चाइना का बॉर्डर है। तो चितकुल का आपका देखिए चारों तरफ का पाइन फॉरेस्ट या देवदारू का पेड़ है, लेकिन व्यू जो यहाँ का है बहुत ही आउटस्टैंडिंग सब व्यू सब है। फिलहाल थोड़ा जाते हैं, थोड़ा फोटोशूट करते हैं। विलेज एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग ऑर्डर दिए थे आपका आलू पराठा, साथ में अचार है और सॉस है। फटाफट खाएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे। दादा कैसा लगा विलेज आपको, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, पूरा वुडन
फेम का बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मैडम आपको विराट कल एल्फ्रेड में क्या हुआ था मैडम आपको? कुछ नहीं, पूरा रात जागी थी ना? नींद नहीं पूरी हुई। तो अभी फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा फोटोशूट करेंगे। तो फोटोशूट का जो आपका इंस्टाग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो इंस्टाग्राम में मैं यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं।